हाय फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूं। आप देख सकते हैं हम आज कहां पे आया हूं। ये सूर्या होटल ओडिशा हाउस। लास्ट टाइम हमने वो वीडियो बनाया था ओडिशा रेस्टोरेंट का, लेट्स इट का, वो भी बहुत अच्छा आपका रेस्पॉन्स मिला। अभी इसलिए हम एक नया रेस्टोरेंट लेके आए हैं ओडिशा का, और वहाँ पे हमने लंच दिखाया था और यहाँ पे हमने हम आपको ब्रेकफास्ट दिखाएंगे। ओडिशा का ऑथेंटिक ब्रेकफास्ट जो दही बड़ा आलूदम है या समोसा घुघनी है, वो सब यहाँ पे मिलता है और हमेशा अवेलेबल रहता है। यह आज हम आपको दिखाएंगे, चलिए हमारे साथ। देखिए दोस्तों, ये होटल सूर्या ओडिशा हाउस है। यहाँ पे ब्रेकफास्ट और मील्स सब कुछ मिलता है, जो भी ओडिशा स्टाइल में मिलता है। चलिए हम अंदर लेके चलते हैं आपको। ये बहुत छोटा होटल है, बहुत बड़ा कुछ भी नहीं है, हाईफाई नहीं है, रेट भी रीजनेबल रहता है। क्या रहता है, कैसे रहता है, हम सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। चलिए अंदर लेके चलते हैं। देखिए ये होटल का अकोमोडेशन है, एम्बियंस है ये होटल का। आप देख सकते हैं ये क्या है आपके सामने है। ये दही बड़ा रखा हुआ है और ये आलू चॉप, गुलगुला और समोसा, ये घुघनी है जो बटाने का करी है, घुघनी है, ये भी है यहाँ पर। देखिए ये सूर्या होटल का ये जो मेनू कार्ड आपके सामने है, और यहाँ पे आप लोग का सभी का हम का जो फेवरेट है ये छेनापोड़ है ओडिशा का, यहाँ पे अवेलेबल है। देखिए देखिए ये जो रसगुल्ला है वो भी अवेलेबल होता है यहाँ पे। देखिए ये रसगुल्ला है। चलिए बात करते हैं यहाँ का स्टाफ से और पूछते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ पे। आपका नाम क्या है? सुनील कुमार। यहाँ पे क्या मिलता है, क्या स्पेशल है यहाँ पे? मॉर्निंग 6 बजे से आलू चॉप, समोसा, बड़ा और इडली, उपमा और घुघनी मिलता है, चटनी मिलता है। ओडिशा जैसे ओडिशा ओडिशा फेवर से। और ये दही बड़ा जो है ये हमेशा अवेलेबल होता है? एनी टाइम मिलता है, सुबह 6 बजे से पूरा 9 बजे तक दही बड़ा, आलू दम, घुघनी, उसके साथ मिक्सचर, बगल बगल सब मिलता है। रेट क्या है यहाँ पे? रेट दही बड़ा का प्लेट 50 रुपया रहता है, टिफिन का हर टिफिन का प्लेट 35 रुपया, 45 रहता है। और ये टाइमिंग क्या है? टाइमिंग मॉर्निंग 6 बजे से टिफिन, हर टिफिन मिल जाता है, 11-12 बजे तक टिफिन रहता है, और शाम को 3 बजे से फिर 8 बजे तक, 9 बजे तक टिफिन मिलता है। ये ब्रेकफास्ट के अलावा मील्स भी मिलता है ना? मील्स ही, हर मील्स मिलता है, नॉन वेज आइटम पूरा, मटन, चिंगड़ी और कंकड़ा और सब चीज, छोटा मछली, बड़ा मछली सब मिलता है, स्पेशल वेज थाली भी मिलता है। ओडिशा का फ्लेवर आता है पूरा, ओडिशा का फ्लेवर, वेजिटेरियंस का पूरा 6-7 आइटम देके भी हम लोग बनाते हैं। ठीक है, चलिए हमको आपका जो दही बड़ा है स्पेशल है, ठीक है, हमको साथ कीजिए। ओके सर, ये क्या है? दही बड़ा है, दही बड़ा है। आज सुबह बनाया इसको? आज मॉर्निंग में। ओके ओके ठीक है। क्या है? आलू दम है। आलू दम, ओ दही बड़ा, दही बड़ा का साथ आलू, आलू दम है। ओके, और उपमा भी है, उपमा भी है इसमें। इसका प्लेट कितना है? 35 कोई भी स्नैक्स का 35। इडली है। ओके, इडली का साथ क्या देते हैं? इडली का साथ घुघनी और चटनी मिलता है, घुघनी का। ये समोसा, बड़ा, गुलगुला है ना? गुलगुला, समोसा, बड़ा, गुलगुला। गुलगुला तो यहाँ पे नहीं मिलता है, यहाँ का बोंडा मिलता है, लेकिन हम लोग भी मिस करते हैं। समोसा जो है ये आलू वाला समोसा है ना? आलू वाला समोसा है। और ये बड़ा है? बड़ा है। ओके, बड़ा समोसा में क्या सर्व करते हैं? घुघनी देते हैं, घुघनी मिलता है, चटनी भी मिलता है। ओके, देखिए ये दही बड़ा है आपके सामने। ये घुघनी है इसका साथ, इसका साथ आलू दम है।
देखिए हम लोग सोचे दही बड़ा का बाद ये समोसा गुलगुला और बड़ा जो है उड़ीसा का है उसको भी हम टेस्ट करते हैं। ये जो दही बड़ा देख रहे हो, दही बड़ा आलूदम घुगनी ये सब मिला के आता है। ये हमारे उड़ीसा का एक स्पेशल और बहुत इसको बोलते हैं सोलो उड़ीसा है, और ये उड़ीसा के अलावा और कोई नहीं मिलता, मगर यहाँ पे मिल रहा है। बहुत अच्छा है टेस्ट है, और अगर आप लोग उड़ीसा से हो तो डेफिनेटली आपको ट्राई करना है। अगर आप उड़ीसा से नहीं हो तब भी आप ट्राई कर सकते हैं। कैसा लग रहा है? उसे जैसा लग रहा है या? ये आलू दम बड़ा है, पूरा उड़ीसा का रियल फ्लेवर है यहाँ पे। देखिए ये बड़ा भी हमेशा अवेलेबल रहता है, ये जो दही बड़ा आलू दम है ये हमेशा अवेलेबल रहता है। जबरदस्त टेस्ट है इसका, कभी आप लोग भी आइए यहाँ पे ट्राई कीजिए। अगर आप लोग उड़ीसा से भी नहीं हो तब भी यहाँ पे आके ट्राई करिए एक बार, आपको पता चलेगा ये दही वाला आलूदम कितना टेस्टी होता है। और ये जो समोसा है वो समोसा तो हर जगह मिलता है, मगर समोसा के साथ घुगनी ये उड़ीसा में ही मिलता है, और यहाँ पे हैदराबाद में आज उड़ीसा सूर्य उड़ीसा होटल में भी मिल रहा है। जैसे हैदराबाद में हर चीज के साथ सांभर देते हैं, इडली के साथ, डोसा के साथ, हम लोग यहाँ पे उड़ीसा में हर चीज के साथ हम लोग घुगनी खाते हैं, पूरी के साथ, बड़ा के साथ, इडली के साथ, सबके साथ हम लोग घुगनी खाते हैं। आलू वाला समोसा है, देखिए आलू, आलू के साथ भी बादाम है, रियल फ्लेवर है। मुझे ये गुलगुला में तो बहुत दिनों का बाद, लगभग 15 साल का बाद मैंने देखा है ये गुलगुला ऐसा है। मुझे याद है जब मैं बचपन में ये ट्राई किया था, लेकिन 15-16 साल हो गया मैंने नहीं खाया इसको। और ये बड़ा है, ये घुगनी के साथ उसको थोड़ा अच्छा लगता है। जबरदस्त है। देखिए ये छेना पूड़ा है, चलिए हम लोग उसको टेस्ट करते हैं फिर बताते हैं आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों हमने तो आपके साथ ब्रेकफास्ट शेयर किया है, दही बड़ा आलू दम और समोसा घुगनी और बड़ा और ये जो गुलगुला है, लेकिन स्वीट्स क्या मिलता है? स्वीट्स में देखिए ये रसगुल्ला है, और इसका साथ ये छेना पूड़ा दे सकते हैं आप। देखिए दोस्तों ये छेना पूड़ा है, ये स्पेशल स्वीट्स है उड़ीसा का। जबरदस्त टेस्ट है इसका दोस्तों। देखिए दोस्तों और एक स्वीट है, ये रसगुल्ला, भगवान जगन्नाथ का पास भी इसको चढ़ाते हैं। चलिए टेस्ट करते हैं। अच्छा है दोस्तों, ये भी सुपर है टेस्ट इसका, हमको तो अच्छा लगा। उड़ीसा में जैसे टेस्ट है यहाँ पे भी सेम टेस्ट है, हमको कुछ अलग नहीं लगा। कभी आप लोग भी यहाँ पे आइए जरूर टेस्ट कीजिएगा, और कैसे लगा हमको कमेंट करके बताइएगा।
दोस्तों ये रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट का अलावा मील्स भी मिलता है, यहाँ पे स्पेशल थाली भी मिलता है। और ये स्पेशल थाली में ये चिकन, फिश, एग और वेज करी देते हैं, उसका साथ राइस और चपाती भी देते हैं। और यहाँ पे नॉन वेज का बहुत सारे आइटम भी मिलता है, जैसे कि क्राब्स, प्रॉन्स, छट्टा मछली और मटन का जो हांडी है यहाँ पे अवेलेबल मिलता है। हमको तो ये अच्छा लगा, अभी आप लोग भी यहाँ पे आइए, ट्राई कीजिए, कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर ये हमारा सूर्या होटल का ये ओडिशा हाउस का रिव्यू अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।